A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed the very important chapter, that is the cash flow statement. In the last few videos we already discussed the basically three activities which are included in the cash flow statement according to accounting standard 3 revised. So that's why after discussing the each and every activity one by one, thereafter we will move to the cash flow statement as a whole with a specific adjustment. अब इस तरह के क्वेश्चंस में होगा क्या, बेसिकली एक बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर दोनों, यानी क्वेश्चंस में या तो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा या तो दोनों ही चीज गिवन होगी. And with the help of these figures, you have to prepare the cash flow statement as well as some of the important adjustment or also given in the question. Yani question mein kya given ho sakta hai? Sirf balance sheet ya sirf statement of PL ya fir dono, aur uske saath aapko combo pack mein milega question mein, that is the adjustment. You know very well when we are talking about the trading account, profit and loss account and balance sheet, so you can see that कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते थे. उसी तरह से जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे. उन एडजस्टमेंट को प्रॉपरली देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, वी हैव टू मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो वन बाय वन आई विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ ए स्पेसिफिक एडजस्टमेंट. अब स्पेसिफिक एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं. जनरली जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिनको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वर्किंग नोट की तरह शो करना पड़ता है इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. यानी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसके साथ आपको कुछ वर्किंग नोट्स देनी पड़ेगी. और जनरली जो ये वर्किंग नोट्स होती हैं विच आर रिलेटेड टू द नंबर वन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. यानी आपने कैसे कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू is कि sometimes क्वेश्चन में जो टैक्स है, टैक्स मीन्स वॉट, टैक्स का जो बैलेंस है या तो सिर्फ एक बैलेंस गिवन होगा या तो दो बैलेंस गिवन होगा. ध्यान से समझिएगा इस चीज को. प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा. दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर सिर्फ एक वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू, अगर सिंगल वैल्यू दी है, मतलब सिर्फ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स रुपीज 20,000, सो इट मींस यही प्रोविजन फॉर टैक्स, यही जो वैल्यू है, इट मींस जो सिंगल वैल्यू गिवन है, यही वैल्यू आपकी मेड भी है और यही वैल्यू आपकी पेड भी है. मेड का मतलब क्या होता है, इट विल बी एडेड टू द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और ये जो मेड वैल्यू होती है उसको हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स में. और जो पेड है इसे हम क्या करते हैं, एट द एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं. ध्यान से समझिएगा इस चीज को. यानी इफ देयर एन इन सिंगल वैल्यू रिगार्डिंग द प्रोविजन फॉर टैक्स, सो इन दिस सिचुएशन सिंगल वैल्यू मीन्स वही वैल्यू को हम मेड भी मान लेंगे, उसी वैल्यू को हम पेड भी मान लेंगे. अब मेड और पेड का क्या इफेक्ट पड़ता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है. सपोज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दो ईयर में दिया हो, टू वैल्यू गिवन हो. टू वैल्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है. प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 10,000 और करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 5,000. इसका मतलब है प्रीवियस ईयर को और कुछ भी नहीं दिया है, ये याद रखिए. इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. प्रोविजन फॉर टैक्स की प्रीवियस वैल्यू दी है, करंट वैल्यू दी है और कोई वैल्यू नहीं दी है. इसका मतलब प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या मानेंगे, पेड, और करंट ईयर को क्या मानेंगे, मेड. प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी एज वेल एज इन योर माइंड, क्योंकि इसमें जल्दी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स कुछ भी दिया हो
या इनकम टैक्स पेबल करके दिया हो, वॉट एवर, अगर सिंगल वैल्यू है तो वही मेड है वही पेड है, दो वैल्यू दी है, उस दो वैल्यू का मतलब क्या है, एक वैल्यू प्रीवियस ईयर की गिवन होगी और एक वैल्यू करेंट ईयर की गिवन है, तो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगा उसे हम पेड मानेंगे और जो करेंट ईयर की वैल्यू है उसे हम मेड मानेंगे। और यू नो वेरी वेल पेड का क्या इफेक्ट पड़ता है, पेड को हम लोग क्या करते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डिडक्ट करते हैं, और मेड को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी पेड को हम लोग माइनस करते हैं और इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन भी होता है, एक और ऑप्शन जो मैंने आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से बताया प्रोविजन फॉर टैक्स में, कि सपोज क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स की प्रीवियस वैल्यू भी गिवन हो, करेंट ईयर की वैल्यू भी गिवन हो, और एडजस्टमेंट में मेड दे दिया हो, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेड निकालना पड़ेगा, और अगर पेड दे दिया हो तो क्या निकालना पड़ेगा, मेड। मेड का मतलब बैंक से पेमेंट हो गया, और मेड का मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से क्रिएशन हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का, और पेड का मतलब क्या है, आपने उसको बैंक के थ्रू पे कर दी। इट मींस कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस वैल्यू का दिया है, करंट वैल्यू का दिया है, साथ ही साथ एडजस्टमेंट भी दिया है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको निकालना पड़ेगा पेड, क्योंकि मेड क्या होता है, एड होता है और पेड लास्ट में माइनस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सिंगल वैल्यू वही मेड वही पेड, टू वैल्यू प्रीवियस ईयर पेड करेंट ईयर मेड, टू वैल्यू प्लस एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट और प्रीवियस ईयर करेंट वैल्यू की हेल्प से हम लोग बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको शायद बताया है, अगर नहीं बताया है तो एक बार फिर से देख लो, हाउ वी विल प्रिपेयर डी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लाइबिलिटी, सो इसका ओपनिंग इधर होता है और क्लोजिंग यहां होता है, ठीक है, तो ओपनिंग ये हो गया क्लोजिंग, और एडजस्टमेंट में क्या दिया है, मान लो मेड दिया है तो मेड को हम लोग इधर इधर शो करते हैं क्रेडिट साइड में, और पेड को किधर दिखाते हैं, टू बैंक, तो अगर ये वैल्यू दी है तो आप ये फाइंड आउट कर लो, पेड दिया है तो आप मेड फाइंड आउट कर लो विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट। ओके, सो लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज द क्वेश्चन नंबर 24, एज यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन, द कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ शालू लिमिटेड आर एज फॉलोज, यानी क्वेश्चन में गिवन है द कंपरेटिव बैलेंस शीट, कंपरेटिव बैलेंस शीट मतलब इसमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू भी दी है और करेंट ईयर की वैल्यू भी दी है, प्रीवियस ईयर इज 2018 एंड करेंट ईयर इज 2019, इंफॉर्मेशन इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी 43,500 एंड 35,000, रिजर्व एंड सरप्लस 17,700 एंड 15,000, डिस्काउंट प्रीवियस करेंट ईयर में कुछ भी नहीं है, जीरो है, बट प्रीवियस ईयर में था 2,000, ये माइनस में इसलिए लिखा है बिकॉज यू नो वेरी वेल डिस्काउंट से शेयर की वैल्यू कम होती है और प्रीमियम से वैल्यू इंक्रीज होती है, प्रीमियम को कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करते हैं, और डिस्काउंट को क्या करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी शोन एज अ नेगेटिव फिगर। एंड यू नो वेरी वेल पहले डिस्काउंट कितने का था, 2 लाख, अब कितना है, जीरो, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज जस्ट लाइक अ फिक्स्ड एसेट्स, यू नो वेरी वेल 11th में पढ़ा है रियरली कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर मीन्स व्हेन एनी डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट, सो दिस वैल्यू विल बी टेकन एज अ फिक्टिशियस एसेट एंड इट विल बी रिटेन ऑफ, जैसे आपने क्लास अभी 12th में आपने पढ़ा भी है कि जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं या फिर प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं, तो इट विल बी नोन एज द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसको हर साल राइट ऑफ किया जाता है। तो बेसिकली कंपनी के पास प्रीवियस ईयर डिस्काउंट था 2,000, इस साल कितना हो गया, जीरो, सो इट विल बी नोन एज अ रिटेन ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। माइंड में रखो ये सारी चीजें कि पहले था 2,000 का डिस्काउंट, अब हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने का डिस्काउंट राइट ऑफ कर लिया, 2,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ इज जस्ट लाइक अ नॉन कैश एक्सपेंस, यू नो वेरी वेल। एंड नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करते हैं सर, सर पता है नॉन कैश एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में से ऐड करते हैं, में ऐड करते हैं।
नॉन करेंट लाइबिलिटी 22-22 इक्वल है, करेंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 32,000 एंड 30,000 एंड द टोटल ऑफ करेंट ईयर इज 1,15,200 एंड द प्रीवियस ईयर इज 30,000। सो ये हो गई लाइबिलिटी साइड, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एसेट साइड। ओके, यू so the asset side, the first one is a non current assets, land and building 16,000, 20,000, accumulated depreciation 2,800 minus and 5,000 is minus. Kyun dikh raha hai aapko pata hai, kyunki accumulated depreciation will be shown in the liability side under the non current liability or the current liability, is that clear? So that's why it will be shown as a negative. To aapko confuse nahi hona hai, अगर हम एसेट्स में लिखते हैं accumulated depreciation तो उसको नेगेटिव में लिखते हैं और अगर लाइबिलिटी में लिखते हैं तो उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम एक क्वेश्चन लिखे थे, एक क्वेश्चन देखा था जहां accumulated depreciation लाइबिलिटी में था, सर यहां एसेट्स में क्यों है? तो लाइबिलिटी में था तो पॉजिटिव फिगर के साथ, लेकिन एसेट्स में है तो यहाँ किस वैल्यू के साथ है? नेगेटिव फिगर के साथ है, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 17,000, 15,000, furniture 4,000, 4,000, patents 900, 1,000. So you can see that previous year 1,000 tha, current year 900 hai, so matlab apne patents ko write off kiya hai, baki sari cheeze hum log dekhenge. Current assets, debtors 20,700 and 10,000, inventory is 15,000, 15,000 and cash and cash equivalent 44,400 and 40,000. So agar aap cash and cash equivalent ka balance dekho to kitna aa raha hai? 4,400 kisme aa raha hai? Increase mein. So aap जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना तो ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,400। इतना तो आना ही है आपको, ये आपको याद रखना है। एंड नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी आइटम्स हैं? दो चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताया क्लियरली, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 15,000, करंट ईयर की प्रॉफिट हो गई 17,700, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 2,700। कहां से प्रॉफिट ले रहे हैं? बैलेंस शीट से। इसका मतलब ये प्रॉफिट कैसे है? आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, याद रखिएगा ये सारी चीज। और इसका मतलब इसमें हम लोग को सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर होगा तो वो ऐड करना पड़ेगा, सो ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल यू विल टेक द प्रॉफिट फ्रॉम द बैलेंस शीट, not from the profit and loss statement. And this discount kitna tha? Previous year 2000, current year 0, so usko humne discount return off ki tarah aapko samjha diya hai. Additional information kya kya given hai? The first one, the building that cost 4000 and which had a book value of 1000 was sold for 1400. Ek building thi jiski cost thi 4000, book value kitni thi? 1000. Iska matlab us pe depreciation kitna charge hua tha? 3000. अरे इतना कॉमन सेंस तो आपके पास है कि उसकी कॉस्ट थी 4000, कॉस्ट मीन्स जब हम उसको खरीदे थे कितने में खरीदे थे? 4000 में। उसको जब हम सोल्ड कर रहे थे सोल्ड के टाइम उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? द वैल्यू विच आर डिडक्टेड आफ्टर द डेप्रिशिएशन, 1000 यानी ड्यूरिंग द ईयर यानी फ्रॉम द परचेज ऑफ द एसेट टिल द डेट ऑफ द सेल, उसकी डेप्रिशिएशन कितनी थी? टोटल डेप्रिशिएशन इज 3000, उसको कितने में सोल्ड कर दिया? सर इट वॉज सोल्ड ऑन 1400, यू नो वेरी वेल 1000 की चीज आपने 1400 में सोल्ड कर दी, सो इट विल बी टेकन एज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। एंड प्रॉफिट क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम लोग क्या करते हैं? इट विल बी एडेड टू द सॉरी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। नंबर सेकेंड, शेयर इशू फॉर कैश अमाउंटेड टू 5,000, आपने शेयर इशू किया कितने का? 5,000 रुपीज का, एंड कैश डिविडेंड ऑफ 2,000, देखो डिविडेंड है कैश डिविडेंड 2,000, बोनस शेयर ऑफ रुपीज 3,000 वेयर डिक्लेयर्ड एंड पेड, इज दैट क्लियर? बोनस शेयर 3,500 रुपए का, डिविडेंड 2,000 रुपए का, दोनों ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स में आते हैं, सो डिविडेंड एड होगा प्रॉफिट में और बोनस शेयर जो आपने इशू किया है ये भी क्या होगा? आपका एड होगा, बिकॉज इट विल टेकन एज द एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। तो अब आपने क्या क्या क्लियर कर लिया? सर अगर हम प्रॉफिट बैलेंस शीट से लेंगे, बैलेंस शीट में प्रॉफिट कहां रहती है, उसका घर क्या है, उसका एड्रेस क्या है? इट विल बी द रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट ले लिया, उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले टैक्स, इसमें कहीं टैक्स दिया है इस क्वेश्चन में,
नो सर, टैक्स नहीं दिया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड दिया है, डिविडेंड को ऐड कर देंगे। और दूसरा एप्रोप्रिएशन आइटम्स कौन सा दिया है, दैट इज अ बोनस शेयर। तो अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो ये भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम क्या आता है, और उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और दोनों ही आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, क्योंकि यू नो वेरी वेल डिविडेंड पे करेंगे तो ये आउटफ्लो जनरेट करेगा, और आउटफ्लो क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होता है। उसी तरह से कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है तो बोनस शेयर का पैसा नहीं आता। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, प्री का शेयर। कंपनी में आप शेयर होल्डर हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुई तो कंपनी ने खुश होकर आपको कैश में प्रॉफिट देने की जगह कंपनी ने शेयर दे दिए। इट मीन्स आपको शेयर का पैसा नहीं देना पड़ा, यानी फ्री में आपको कंपनी का शेयर मिल गया। अभी कंपनी का आपके पास था 100 शेयर, कंपनी ने 10 शेयर आपको मुफ्त में दे दिए। क्लियर? तो कंपनी ने 10 शेयर जब मुफ्त में दिए तो कंपनी के लिए खर्चा तो है ना, आउटफ्लो है। कितने रुपए का आउटफ्लो हो गया यहाँ पर कंपनी को, 3000, कितने का, दैट इज 3500 रुपीज का। सो दैट्स वाई आई विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज मैं और भी बता दूं आपको कि बोनस शेयर इशू करने से कंपनी के पास इशू करती है तो कोई पैसा ना आता है ना जाता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल बोनस शेयर इज अ प्री ऑफ कॉस्ट शेयर। सो इससे ना कैश इनफ्लो जनरेट होता है ना आउटफ्लो जनरेट होता है। तो अब उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग कुछ एक्टिविटीज के आंसर निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के। सो लेट्स बी मूव टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इस क्वेश्चन में आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना पड़ेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से लेंगे आप, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिट कितनी है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर वैल्यू इज 15,000, करेंट ईयर इज 17,007, 17,000 माइनस 15,000, सो ड्यूरिंग द ईयर इज प्रॉफिट 2,700। और उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, मैंने आपको दो चीज बताई ऐड करने के लिए, एक डिविडेंड जो आपने पे किया है, और दूसरा कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है इसका मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट में से बोनस शेयर इशू करती है। डिविडेंड पेड कितने का था, 2000, एंड बोनस शेयर कितने का था, 3500। तो दोनों वैल्यू ऐड हो गई, सो दिस वैल्यू इज 8200, एंड दिस वैल्यू विल बी नोन एज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो जब आप पहले सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, मतलब मैंने इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले टॉप में क्या लिखोगे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद कंपनी का नाम, ऑफ विच कंपनी, दैट इज अ शालू लिमिटेड। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने आपको फॉर्मेट बताया क्या होता है, फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स डिटेल एंड अमाउंट। ओके, सो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बनाना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सफिशियंट स्टेप सॉरी सफिशियंट स्पेस। दैट्स वाई मेरी कुछ बाउंडेशन है बट आपकी कोई बाउंडेशन नहीं, फॉर्मेट पे भी मार्क्स मिलता है, दैट्स व्हाई फॉर्मेट पे मार्क्स कटते भी हैं, दैट्स व्हाई यू विल फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट। और इस क्वेश्चन को, कैश फ्लो के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 6 to 8 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसका मार्क्स भी लगभग 6 मार्क्स का होता है, तो जनरली 6 to 8 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझा भी रहा हूं, बट आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने मिनिमम टाइम बताया, मैक्सिमम यू विल टेक द 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एज पर योर कन्वीनियंट। आप 5 घंटा ले लो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हो तो 10 से 12 मिनट ले, उससे ज्यादा मत लो। और कम से कम अगर कोई लेता है उसका एवरेज स्पीड अगर बहुत अच्छा है तो वो 6 से 8 मिनट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो ऑलरेडी मेरा रेडी है, दैट इज 8,200। सो द वैल्यूज नेट प्रॉफिट
before tax and extraordinary item. Or one more thing is very important. Please do not use the shortcuts. मैंने बहुत सारे शॉर्टकट यूज किए हैं नेट प्रॉफिट के, बिफोर के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का जो चलता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत आपने अडॉप्ट कर लिया, अब नेट प्रॉफिट बिफोर सबको अगर आप शॉर्टकट में यूज करेंगे तो उसका आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा मार्क्स के वैल्यू. सो दैट्स वाई ये कोशिश करिए कि अभी आपकी एज है सीखने की, दैट्स वाई यू विल फॉलो द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म्स. सो द वैल्यू इज 8200. And you know very well, हम क्या करेंगे, सबसे पहले add करते हैं, that is non-operating expense and non-cash expense. अब non-operating expense and non-cash expense में first of all we take the depreciation, amortization. तो amortization तो बहुत तरह से clear है, जैसे discount on issue of debenture, उसको आपने write off किया, written off discount on issue of debenture. ठीक, कितने का डिस्काउंट आपने राइट ऑफ किया था, प्रीवियस ईयर था 2000, करंट ईयर था 0, दैट्स व्हाई आपने राइट ऑफ कितना किया 2000. एंड नंबर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पेटेंट्स. यू नो वेरी वेल पेटेंट्स की वैल्यू कितनी थी प्रीवियस ईयर 1000, तो पेटेंट्स को भी आपने राइट ऑफ किया है. प्रीवियस ईयर थी 1000, करंट ईयर हो गई 900, तो आपने राइट ऑफ कितना कर दिया 100. अब मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट नंबर वन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर वन. अब बिल्डिंग डेट कॉस्ट ऑफ रुपीज 4000 विच हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 1000 वाज सोल्ड फॉर 1400. यू नो वेरी वेल मैंने आपको बताया था जब भी कोई एसेट सोल्ड होती है तो वहां पे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे डेप्रिशिएशन, लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स. तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है, जब अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही है तो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट कंपनी अलग से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रिपेयर कर रही है और अलग से कंपनी क्या प्रिपेयर कर रही है, एसेट्स अकाउंट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों पे ना परचेज हुआ है ना सेल हुआ है. अगर तो अगर आप वैल्यू देखो प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्रीवियस ईयर प्लांट एंड मशीनरी था 15000, करेंट ईयर हो गया 17000. और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई भी डेप्रिसिएशन के इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. फर्नीचर 4000 4000, तो ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ना तो एप्रिशिएशन हुआ ना डेप्रिशिएशन हुआ. लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में क्लियरली नीचे लिखा है एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन, इट मींस एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन इज रिलेटेड टू द लैंड एंड बिल्डिंग. दैट्स व्हाई हम लोग को बनाना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. तो वर्किंग नोट नंबर टू इज दो अकाउंट, एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और दूसरा एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट. तो जब आप लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे तो यू हैव टू नॉलेज अबाउट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. सो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस था 20 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 16. ओके सर, अब यू नो वेरी वेल उसी तरह से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओके, ओपनिंग इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 5000, क्लोजिंग इज 2800, 5000 एंड 2800. एंड यू नो वेरी वेल क्वेश्चन इज सेज दैट अ बिल्डिंग डेट कॉस्ट ऑफ 4000 विच हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 1000 वाज सोल्ड फॉर 3000. तो बिल्डिंग 4000 की थी जिसकी बुक वैल्यू 3000 थी, उसको 1400 में बेच दिया. तो पहले बताओ कि उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा, अभी तक उस पर चार्ज हुआ होगा डेप्रिसिएशन 3000. सो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल इट विल बी ट्रांसफर टू द एसेट्स अकाउंट. और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन. कितना डेप्रिसिएशन लगा था 3000, सेल कितने में कर दिया, सेल विल बी बैंक कितने में सेल किया था, 1000 की चीज 1400 में सेल कर दिया था. अब आप बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर इट विल बी शोन एज द प्रॉफिट. ओके, एंड अब आपको पता है कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर कितना आ रहा है, दैट इज 5800, इधर भी आना चाहिए 5800,
800 will be taken as a depreciation made during the year. It will be known as the made. Made का मतलब कितना depreciation during the year आपने charge किया? तो during the year आपने depreciation charge किया 800. और कितना assets में transfer हो गया? इसको हम consider नहीं करते. हमें consider क्या करना है? 400 profit. और balance तो करना ही करना पड़ेगा. You know very well. इधर कितना आ रहा है? 16, 19, 20, 20,400. इधर भी total कितना आना चाहिए? 20,400. So इसका मतलब कोई परचेज नहीं हुआ. अब आप देखो 20,400 इज दिस साइड, 20,400 इज दैट साइड आल्सो. सो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज नहीं हुआ, हाँ सेल हुआ. परचेज होता सो इट विल बी नोन एज द आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो अब आप ये दो अकाउंट क्यों बनाए सर? इसलिए बनाया क्योंकि ये दो अकाउंट हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हेल्प करेगा. पहला तो डेप्रिशिएशन, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिशिएशन विल बी 800. सो डेप्रिशिएशन made during the year 800 and profit हुआ ना, profit will be shown as a non-operating income. Profit को हम लोग क्या करेंगे? Minus करेंगे. So it will be deducted less as a non-operating income, that is profit on sale of land and building, that is 400. Okay? और कोई चीज बच गई? आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको देना था? नॉन करेंट लायबिलिटी में खोज के देख लो. डिबेंचर तो है सर 22,000, बट क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन. गिवन होता तो देता. क्वेश्चन ही ने गलती कर दी. क्वेश्चन ही चाहता है कि हम आराम करें, तो ठीक है भैया हम आराम करते हैं. अगर क्वेश्चन में लिखा होता 10% डिबेंचर तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट भी ऐड करते, बट क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई हम इंटरेस्ट नहीं देंगे. हम कितना दें? एज्यूम कर लें 10%, 15%, नो. जानबूझ के अपना काम नहीं बनाना है आपको, बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. सो 8,200, 2,100, 800 ऐड करना है और 400 माइनस करना है. सो इट विल बी शोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ओके, तो ये कितना आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी, इट विल बी अ 10,700. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कैसे होता है? क्या करेंगे? After calculating the operating profit before working capital changes, let's we move to the current liabilities and current assets. So current liability में सबसे पहले given है creditors. Creditors क्या हो रहा है? Sir increase हो रहा है. कितना increase हो रहा है? 2000. Good. Add कर दो. आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो. लिखना भी चाहिए. Increase in creditor 2000. Assets में debtor and inventory. You know very well. Cash in cash equivalent हम consider नहीं करते. कहा कंसिडर नहीं करते सर? वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी करंट करंट एसेट्स, तो हम करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं करते. सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी सारी जितनी चीजें सब कंसिडर करते हैं. तो कौन कौन सी चीजें? करंट डेटर कितनी थी? 10,000 से 20,700. तो 10,700 इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई इसको हम लोग माइनस कर देंगे. और इन्वेंट्री की प्रीवियस ईयर वैल्यू थी 15,000, करेंट ईयर भी 15,000 है, तो खुशखबरी है यहां हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा. इन्वेंट्री हटा दो क्योंकि इन्वेंट्री ना तो इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई. तो ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब इसमें 2000 ऐड करो, 10,700 माइनस कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 2000. देख लो 10,700, 10,000 कैंसिल हो गया, 2000 बचा. तो 2000 विल बी शोन एज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एंड यू नो वेरी वेल लेस इनकम टैक्स पेड. गुड न्यूज इज दैट इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया है. सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 2000. ओके, सो यू कैन सी दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हेल्प कर देता है. दैट्स व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय
अगर कोई डेप्रिशिएशन प्रॉफिट और लॉस का कुछ भी सेल या परचेस का कोई भी एडजस्टमेंट है, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट प्लीज प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट डेप्रिशिएशन अकाउंट फर्स्टली एंड देयर आफ्टर यू विल स्टार्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अदरवाइज क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, कोई चीज स्किप कर जाओगे, फिर इन्वेस्टिंग में पहुंचोगे तो फिर कहोगे अरे वो वहां पे डेप्रिशिएशन था, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस हमने ऐड करना भूल गया। दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट को केयरफुली पढ़ो और उसके बाद इंप्लीमेंट करो यहाँ, उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट टच करो। दैट्स व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले क्या बनता है, वर्किंग नोट, उसके बाद बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो उसका बाकी का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी और रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू।